जशपुर की अब चर्चा करेंगे। कुनकुरी में पुल के नीचे अतिक्रमण को लेकर न्यूज 18 लगातार अवगत करा रहा था आपको। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद पुल के नीचे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। आपको बताएं कि पुल के नीचे अतिक्रमण कर उस पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा। नोटिस मिलते ही यहां से अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया। मुझे जानकारी मिला है कि जैसे हमने उनको नोटिस भेजा है और नोटिस का जवाब हमने उनसे मांगा और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए बोला कि आप किस बिहाफ पे आप वहाँ पे गार्ड वाल और ये कुआं खोद रहे हैं, तो उस नोटिस को प्राप्त करते ही ऐसा मुझे सुनने में आया कि भाई अब स्वयं ही अपना बेजा कब्जा हटाने में लगा हुआ है। पेशी दिनांक मैंने उसमें 15 तारीख दिया हुआ है, क्योंकि एक उचित अवसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मामला निजी भूमि वर्सेस शासकीय भूमि का बनेगा लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और उस भूमि का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंटन भूमि को अवैध तरीके से उन्होंने अपने नाम पे कराया है, ऐसा अगर हमको प्राप्त होता है तो मैं बिल्कुल ही कलेक्टर साहब की ओर प्रतिवेदन भेजूँगा ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वयं कब्जा हटा भी दिया है, लेकिन अब आगे कार्रवाई? जी, कार्रवाई होगी। कब्जा भले उन्होंने हटा दिया है, किंतु वे अब हमारे संज्ञान में आ गए हैं, हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनसे लिखित रूप में जवाब लिया जाएगा कि उन्होंने ये ऐसा कब्जा करने का साहस ही क्यों किया। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जशपुर के कुनकुरी में बंदरा खसरा नाला के पुल के नीचे अतिक्रमण की खबर न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कब्जाधारी को प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, और उसके बाद यहां पर देखिए न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और जो कब्जाधारी है उन्होंने पुल के नीचे से अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। यहां पर देखिए कि यहां पर ऊपर जो है ये बंदरा खसरा नाले के ऊपर करोड़ों का पुल बना हुआ था, सेतु निगम के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था, और इस पुल के ठीक नीचे कल तक यहां पर कमरे बनाए जा रहे थे, निर्माण कार्य बदस्तूर यहां पर जारी था। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 ने नाले के बीचों बीच अतिक्रमण की खबर दिखाई, उसके बाद जो है यहां पर अब यहां पर कब्जा को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कल तक यहां पर दीवारें थी और एक कमरा यहां पर बना हुआ था, तस्वीरों में देखिए, अब यह कमरा यहां से पूरी तरीके से हट चुका है। मजदूर लगे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर जो है कब्जे को हटाने का काम कर रहे हैं, और ये मजदूर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है तोड़ाई का काम कर रहे हैं पत्थरों की, और यहाँ पर पत्थरों को जोड़कर एक कमरा बनाया गया था और इसके आगे और कमरा बनाने की तैयारी थी। और वहीं ठीक इधर देखिए यहाँ पर पुल का पिलर है और पुल के पिलर के नीचे यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था, लगभग 15 फीट का कुआं जो है कब्जाधारियों के द्वारा बनवाया गया था। अब उस कुएं को भी पाटने का काम यहां पर चल रहा है, और ये देखिए कि ठीक पिलर के नीचे यहां पर जो है कुआं बनाया गया था, जिसकी वजह से पिलर कमजोर हो सकता था, और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब यहां से पूरी तरीके से कब्जा हटाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि नाले के बीच जिस तरीके से शहर के बीचों बीच अतिक्रमण हो रहा था और अतिक्रमण की वजह से यहां पर बारिश के दिनों में आने वाले बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 में नाले के पर अतिक्रमण की खबर दिखाई गई और उसके बाद यहां पर खबर का बड़ा असर हुआ है। दीपक सिंह, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, जशपुर।